जब से हिंदुस्तान ने चांद को अपनी मुट्ठी में लाने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तब से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला उठा है। जहां इंडिया में चंद्रयान की सफलता को देखते हुए खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पाकिस्तान में आईएमएफ की तरफ से 3 अरब करोड़ डॉलर का कर्ज मिल जाने की खुशी फूले नहीं समा रही है। दरअसल जब हिंदुस्तान का चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, तब पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इसका बड़ा मजाक उड़ाया था। यहाँ तक कि उनके पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फावद चौधरी ने कहा था कि जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते डियर इंडिया। लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने हार माने बिना फिर से एक बार चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कल्पना मात्र से पाकिस्तान की सिसकियां निकल जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान ऐसे कामों में टिप्पणी करना नहीं छोड़ता। यहाँ तक के पाकिस्तान के कुछ मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि हिंदुस्तान के पास अगर चंद्रयान 3 है तो हमारे पास एटम बम है। लेकिन इन्हें कोई बताए कि उस एटम बम को भी लॉन्च करने के लिए अगर कर्ज लेना पड़े तो इसमें गुमान करने जैसा कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फावद चौधरी ने इंडिया को तंज कसते हुए कहा और एक बयान दिया था कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि चांद तक जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद को खुली आंख से देखा जा सकता है। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि खुली आंखों से देखना और उसे अपनी मुट्ठी में कर लेने में कितना अंतर होता है। और बौखलाए पाकिस्तान की सांसों में अभी सांस आई भी नहीं थी कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद 7 सैटेलाइट को और एक साथ लॉन्च करके बता दिया है कि हिंदुस्तान बातों से कम और अपने कामों से ज्यादा जवाब देता है। खैर, ये तो वो पाकिस्तान है जो तंज कसने से बाज नहीं आएगा। लेकिन जाते जाते कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि रखकर चांद के उस पार कदम, आज हम इतिहास बना देंगे और जिनको शक था हमारी काबिलियत पर, आज उन सबको गवाह बना देंगे। खैर, ये तो था वो पाकिस्तान जो अपनी टिप्पणियों से बाज नहीं आएगा। लेकिन इस विषय में आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।